हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। केंद्र सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने की अप्रोच के साथ काम कर रही है, सैचुरेशन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तेलंगाना में यहां की सरकार को गरीब के लिए होने वाले विकास कार्यों में परेशानी है। केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद यहां की सरकार ने पीएम आवास योजना के घर बनाने में रोड़े अटका दिए। देश भर में पीएम आवास योजना के 3 करोड़ घर गरीबों को बनाकर हम दे चुके हैं, उनके सिर पर पक्की छत हो गई है। लेकिन तेलंगाना के गरीबों से ये सुख भी यहां की सरकार ने छीन लिया। कहां ये लोग 2 BHK फ्लैट देने वाले थे, कहां पीएम आवास के घर भी नहीं बनने दिए। मैं जानता हूं तेलंगाना के लोग इस अपराध को कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, आज तेलंगाना पॉजिटिविटी चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है। तेलंगाना के लोग ये समझ रहे हैं, इसलिए यहां बीजेपी का जनातार लगातार बढ़ रहा है। और आज जो तेलंगाना में सबको दिख रहा है कि बीते 8 वर्षों में पूरे देश का ट्रेंड है। त्रिपुरा में बीजेपी की गिनती नहीं होती थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जनता के मुद्दों को उठाया, आज वहां बीजेपी की मजबूत सरकार है। इसी तरह असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों में हम लोगों की सेवा में लगे रहे और जनता जनार्दन ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अब तो बीजेपी की सरकारें जहां एक बार बन जाती है, वहां बार बार बीजेपी सरकार बन रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी के प्रति ये विश्वास सुशासन के कारण है, वो सुशासन जिसके मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का प्रण है। बीजेपी वो पार्टी है जो युवाओं की पार्टी है, गरीब के हित में सरकार चलाती है। अब तेलंगाना में भी हमें भाजपा को निरंतर मजबूत करना है। तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवार के शिकंजे से मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। मुझे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और आपका ये जो जुस्सा मैं देख रहा हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी निष्ठा को नमन करते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की।